सनसनी ऑफ इंडिया। वर्ष 2021 जून महीने में गाय तस्करी के दौरान पीछा कर रही पुलिस टीम पर कांच के चुगे और जिंदा गाय फेंककर हमला करके फरार हुए मेवाती गैंग के कुख्यात और वांटेड बदमाश राकेश उर्फ भोंडू को स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन और दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार व इंस्पेक्टर करमवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने लाडो सराय इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ डकैती, रेप, मारपीट, चोट, अपहरण, धमकी और आर्म्स एक्ट जैसे आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इसके पास से 315 बोर की एक सिंगल शॉट पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वर्ष 2021 जून महीने में गाय तस्करी के समय पुलिस टीम पर हमला करके फरार मेवाती गैंग का कुख्यात और वांटेड बदमाश राकेश उर्फ भोंडू अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की कई टीमें कुख्यात और वांटेड बदमाश राकेश उर्फ भोंडू को दबोचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन शातिर और कुख्यात राकेश उर्फ भोंडू पिछले एक साल से पुलिस टीमों को चकमा दे रहा था। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम भी राकेश पर लगातार नजर रखे हुए थी, लेकिन शातिर और कुख्यात राकेश उर्फ भोंडू ने अपने आप को नूह मेवात में छिपा रखा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पास मोबाइल भी रखना बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर शिव कुमार ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को मेवाती ड्रेस में राकेश उर्फ भोंडू के आसपास तैनात कर दिया। टीम के सदस्य मेवाती ड्रेस में पिछले काफी समय से मेवात नूह में राकेश उर्फ भोंडू की एक्टिविटी नजर रखे हुए थे। मेवाती गैंग के शातिर और कुख्यात राकेश उर्फ भोंडू ने मेवात में अपने आसपास स्थानीय लोगों का सुरक्षा चक्र बना रखा था, इसलिए मेवात में दबोचना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने राकेश को दबोचने के लिए कई बार मेवात में छापेमारी की, लेकिन मेवात इलाके में एंट्री करते ही राकेश को स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी लग जाती थी और वो फरार हो जाता था। इंस्पेक्टर शिव कुमार को पूरा भरोसा था कि राकेश एक न एक दिन मेवात इलाके से बाहर जरूर निकलेगा। आखिरकार कई महीनों के इंतजार के बाद टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि राकेश दिल्ली के लाडो सराय इलाके में वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार राकेश उर्फ भोंडू को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे। इंस्पेक्टर शिव कुमार ने स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज ACP अत्तर सिंह के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज ACP अत्तर सिंह ने इन्फॉर्मेशन से स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही वांटेड को दबोचने के लिए स्पेशल सेल DCP जसमीत सिंह ने स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज ACP अत्तर सिंह की सुपरविजन और स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार व इंस्पेक्टर करमवीर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम ने दिल्ली के लाडो सराय इलाके में राकेश की आवाजाही के बारे में और जानकारी जुटाई और इलाके में राकेश व उसके साथियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर शिव कुमार को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली कि मेवाती गैंग का कुख्यात और वांटेड बदमाश राकेश उर्फ भोंडू 15 फरवरी 2022 को मेहरौली बदरपुर के रास्ते फिरनी रोड मोड़ लाडो सराय के पास वारदात करने के लिए इलाके की रेकी करने आएगा। बदमाश को दबोचने के लिए फिरनी रोड मोड़ लाडो सराय के पास जाल बिछाया गया। रात करीब 9:15 पर राकेश आता हुआ दिखाई दिया। टीम ने तुरंत ही राकेश को चारों ओर से दबोच लिया। तलाशी लेने पर इसके पास से 315 बोर की एक सिंगल शॉट पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार मेवाती गैंग के बदमाश की पहचान विलेज फिरोजपुर नमक थाना नूह मेवात हरियाणा निवासी 27 वर्षीय राकेश उर्फ भोंडू पुत्र रतिराम के रूप में हुई। जांच में टीम को पता चला कि 5 और 6 जून 2021 की दरमियानी रात थाना ख्याला इलाके में वांटेड राकेश उर्फ भोंडू अपने 7 साथियों के साथ दिल्ली से चोरी की गायों को ट्रक में भरकर भाग रहा था। गश्त कर रही एक PCR वैन ने ट्रक का पीछा किया और बदमाशों को रुकने को कहा। गाय चोरी करके भाग रहे वांटेड राकेश उर्फ भोंडू ने रुकने की बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर PCR वैन पर कांच की बोतलों से हमला कर दिया था। बदमाशों को दबोचने के लिए मौके पर लगभग आधा दर्जन PCR वैन भेजी गई थी, लेकिन बदमाश ट्रक से पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर कांच की बोतलों से हमला करते रहे। जब बदमाशों को लगा कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, तो उन्होंने पुलिस टीम पर ट्रक से जिंदा गाय फेंकनी शुरू कर दी थी। बदमाशों की इस हरकत से कई जिंदा गायों को गंभीर चोटें आई थी और PCR वैनों को भी भारी नुकसान हुआ था। घटना में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। मौका मिलते ही वांटेड राकेश उर्फ भोंडू अपने 7 साथियों के साथ ट्रक को अंधेरे में छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा था। इसके अलावा राकेश व उसके साथी दिल्ली में कई कार व अन्य वाहन भी लूट चुके हैं। स्पेशल सेल DCP जसमीत सिंह ने बताया कि मेवात गैंग के सदस्य बेहद खूंखार, क्रूर और हिंसक होते हैं। यह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर हमला करने और यहां तक कि पुलिस पर गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। मेवात गैंग के सदस्यों का काम बंदूक की नोक पर कारों और मिनी ट्रकों को लूटना है।
मेवात गैंग के सदस्य लुटे हुए वाहनों को दिल्ली NCR और नेशनल हाईवे पर बंदूक की नोक पर डकैती डालने में इस्तेमाल करते हैं। इस गैंग के बाकी सदस्यों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।